हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज हम देखेंगे लाल टमाटर की सब्जी किस तरह से बनती है। लाल और हरे दोनों टमाटर आप ले सकते हैं सब्जी को बनाने के लिए, या आप चाहें तो सिर्फ लाल टमाटर से भी सब्जी को बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ये लाल टमाटर की सब्जी किस तरह से बनती है। हमारे टमाटर की सब्जी को बनाने के लिए हमें जो लगने वाली चीजें हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले टमाटर, हरे और लाल। अगर आपके पास सिर्फ लाल टमाटर हैं तो आप सिर्फ लाल टमाटर की सब्जी भी बना सकते हैं। हमें टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसके बाद हमें इसमें लगेगी हमारे मसाले, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी। तेल लगेगा हमें इसे फ्राई करने के लिए। उसके बाद हमें लगेगा प्याज और लहसुन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्जी की, जो हमारे सब्जी का टेस्ट बढ़ाएगी। उसके बाद हमें नमक लगेगा, हमें हरा धनिया भी लगेगा, और हमें इसे फ्राई करने के लिए राई और जीरा ये भी लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये सारी चीजें जो हमें लगने वाली है वो हमारे पास रेडी हैं। तो अब हम शुरू करेंगे हमारे टमाटर की सब्जी को बनाने के लिए। हमें एक कढ़ाई रखनी है जिसमें हमें सब्जी को बनाना है। हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले तेल डालेंगे, क्योंकि तेल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सब्जी को बनाने के लिए। तो तेल हमने इसमें ले लिया है। तेल जो है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डेफिनेटली तेल अगर अच्छा होता है चीज़ों में तो चीज़ का टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन आप अपना हेल्दी फूड खाना चाहते हैं तो तेल अगर कम भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी उसमें हमें बाकी के मसाले भी डालने हैं। तेल जैसे कि गर्म हो चुका है, अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे राई, थोड़ा सा जीरा। जीरा जो है वो एक तरह से हमारे टेस्ट को बढ़ाता है सब्जी के, तो अगर ये थोड़ा ज़्यादा भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक, लहसुन। लहसुन थोड़ा सा हमें होने देना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, ऑनियन। अब इसे थोड़ा सा चलाना है ताकि हमारा जो प्याज और लहसुन है वो अच्छी तरह से सीख जाए। देख सकते हैं हमारा लहसुन और प्याज जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब हमें इसमें हमारे मसाले जो हमने निकाले थे वो हमें डालने हैं। लाल मिर्च, धनिया और हल्दी, तीनों आप चाहें तो एक साथ इसमें डाल सकते हैं। याद रहे हमें मिर्ची और मसाले जो हैं ये पहले तेल में डालने हैं, एंड देन उसके बाद हमें सब्जी इसमें डालनी है, क्योंकि अगर हम सब्जी के बाद ये मसालों को डालेंगे तो ये अच्छी तरह से सिक नहीं पाएंगे। मसालों का सिकना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने उन मसालों के डालने के बाद हमारी सब्जी को भी इसमें डाल दिया है। अभी जो है वो इसी के साथ डाल देना है ताकि नमक जो है अच्छी तरह से सब्जी में मिल जाए। नमक जो है स्वाद अनुसार आपको लेना है। तो दोस्तों, हमने सब्जी को पूरी तरह से मिक्स कर दिया है। सारे मसाले, नमक जो है वो पूरी तरह से सब्जी में मिक्स हो चुका है। अब हमें इसे थोड़ी देर सिकने के लिए, सब्जी को अच्छी तरह से हो जाने के लिए हमें इसे ढक के रखना होगा। तो हम एक प्लेट के सहारे से इसे ढक देंगे। हम देखेंगे थोड़ी देर हो चुकी है। अब हमने जो उसे ढक के रखा था भाप में, हमारी सब्जी कैसी हुई है आप देख सकते हैं। पानी जो है वो हमारी सब्जी में छूट चुका है। पानी छूट रहा है इसका मतलब हमारी सब्जी अच्छे से बफ जाएगी। अभी हमारी सब्जी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है। आपको इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाना है। तो जैसे हमने अभी इसे ढक के रखा था, थोड़ी देर में हमने इसे चलाया है। करीब 5 मिनट्स के अंदर हमने इसे चला लिया है। हमें फिर से इसे ढक के रख देना है कुछ समय के लिए। तो है वो इस तरह से हो चुकी है। याद रहे आपको 2 से 3 बार 3-3 मिनट के अंतराल में इसे खोल कर चलाना है, ताकि सब्जी जो है हमारी नीचे चिपके ना और हर तरह से अच्छी तरह सीज जाए, मतलब हर जगह से अच्छी तरह सीज जाए सब्जी। इस तरह से हमें इसे करना है। हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मेरी सब्जी जो है बहुत ही यमी दिख रही है। को दोस्तों, हमने निकाल लिया सर्विंग बाउल में, जो आप देख सकते हैं बहुत ही यमी दिख रही है। अब इसे हमें थोड़ा डेकोरेट करना चाहिए हरे धनिए से, तो हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया जो कि हम जानते हैं बहुत ही हमारे फूड के टेस्ट को बढ़ा देता है और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। तो फाइनली हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही यमी दिख रही है सब्जी। तो दोस्तों, आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।